नमस्कार सिविल इंजीनियर्स, आज भारत में रोड्स, ब्रिजेस और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का काम काफी लार्ज स्केल में हो रहा है, जिनमें भारत सरकार हजारों करोड़ रुपए खर्च कर रही है, जिसमें हजारों कंस्ट्रक्शन कंपनीज, कंसल्टेंट्स और कॉन्ट्रैक्टर फर्म्स को हिस्सा लेने का मौका मिलता है और जिसके जरिए सिविल इंजीनियर्स के लिए रोजगार के मौके उत्पन्न हो रहे हैं। इस पूरे प्रोसेस का एक जरूरी हिस्सा होता है टेंडरिंग एंड कॉन्ट्रैक्ट्स, जिसके माध्यम से सरकार किसी प्रोजेक्ट को इम्प्लीमेंट करती है। और हम इस सीरीज में यही चर्चा कर रहे हैं कि भारत में नेशनल हाईवेज या एक्सप्रेसवेज के डेवलपमेंट और मेंटेनेंस में मुख्य रूप से चार तरह के कॉन्ट्रैक्ट्स का इस्तेमाल होता है। एक BOT यानी बिल्ड ऑपरेट एंड ट्रांसफर, दूसरा EPC यानी इंजीनियरिंग प्रोक्योरमेंट एंड कंस्ट्रक्शन, तीसरा HAM यानी हाइब्रिड एन्युटी मॉडल और चौथा TOT यानी टोल ऑपरेशन एंड ट्रांसफर मोड। पिछली वीडियो में हमने BOT मोड के एक लाइव टेंडर का एग्जांपल लिया था और उसके बेसिक फीचर्स को समझने की कोशिश की थी, जिसमें हमने ये जाना कि BOT मोड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में सरकार एक प्राइवेट कंपनी को कॉन्ट्रैक्ट देती है, जिसे कंसेशनायर कहा जाता है, जो कि अपने खर्चे पर प्रोजेक्ट का कंस्ट्रक्शन करता है और कंस्ट्रक्शन के बाद उस रोड को मेंटेन भी करता है, जिसके बदले में उसे उस रोड को यूज करने वाले लोगों से यूजर फी यानी टोल कलेक्ट करने का अधिकार मिलता है और उसी टोल से कलेक्ट किया गया धन ही उस कंसेशनायर के लिए उसके इन्वेस्टमेंट का रिटर्न होता है। अब यहाँ सवाल उठता है कि BOT कॉन्ट्रैक्ट के लिए प्राइवेट कंपनी का सिलेक्शन का प्रोसेस क्या है? सरकार ये कैसे तय करती है कि किस कंपनी को ये प्रोजेक्ट अवार्ड किया जाए? और इन्हीं सवालों के जवाब एक्सप्लोर करने मैं इंजीनियर आशीष कुमार गोयल एक बार फिर हाजिर हूँ सिविल गुरुजी सिविल इंजीनियर्स ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट के इस यूट्यूब चैनल पर मोड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स की सीरीज के साथ। इस सीरीज के सभी वीडियोस को सीक्वेंस में देखने के लिए आप कमेंट सेक्शन में पिन किए गए प्लेलिस्ट का लिंक जरूर सेव कर लें, क्योंकि ये जानकारी एक सिविल इंजीनियर को टेंडरिंग और कॉन्ट्रैक्ट मैनेजमेंट के फील्ड में आगे बढ़ने में मदद करेगी और इसलिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। पहले बात करते हैं किसी एक प्रोजेक्ट के टेंडरिंग के पूरे प्रोसेस की। तो सबसे पहले सरकारी संस्था या अथॉरिटी अपने ऑफिशियल वेबसाइट पर नोटिस इनवाइटिंग टेंडर अपलोड करती है, जिसमें प्रोजेक्ट के रिलेटेड सारी जरूरी इन्फॉर्मेशन दिए होते हैं, जिन्हें बिडिंग डॉक्यूमेंट्स कह सकते हैं। जो भी प्राइवेट कंपनी या फर्म उस प्रोजेक्ट में इंटरेस्टेड होते हैं, वो इस बिडिंग प्रोसेस में हिस्सा लेते हैं। NIT इशू करने के बाद सरकार उन कंपनीज को थोड़ा समय देती है, जिसमें वो बिडिंग डॉक्यूमेंट्स को अच्छे से स्टडी करते हैं और यदि उन्हें कोई डाउट है या उन्हें किसी क्लेरिफिकेशन की जरूरत है तो वो अपने क्वेरीज रिटेन फॉर्म में अथॉरिटी को सबमिट कर सकते हैं। उसके अलावा अथॉरिटी प्री बिड मीटिंग्स भी करती है, जिसमें बिडिंग रिलेटेड सारे पॉइंट्स डिस्कस किए जा सकते हैं और उसके बाद अथॉरिटी सारे प्री बिड क्वेरीज का रिटेन रिप्लाई इशू करती है, जिसके बाद इंटरेस्टेड कंपनीज को अपना बिड सबमिट करने के लिए बिड ड्यू डेट तक का समय दिया जाता है। इन बिड्स के दो जरूरी हिस्से होते हैं, एक टेक्निकल बिड, जिसमें बिडर कंपनी को टेक्निकल क्वालिफिकेशन रिलेटेड इंफॉर्मेशन देनी होती है, और दूसरा फाइनेंशियल बिड, जिसमें बिडर अपना फाइनेंशियल प्रपोजल मेंशन करता है। इंजीनियर, यदि आप चाहते हैं कि आपके द्वारा कंस्ट्रक्ट किया हुआ ब्रिज कभी फेल ना हो और आपके टेक्निकल स्किल साइट पे मास्टर बन जाए, तो एनरोल करिए सिविल गुरुजी का कॉप्स ब्रिज गोल्ड। इस कोर्स में आप सीख पाएंगे ब्रिज ड्राइंग रीडिंग, बार बेंडिंग शेड्यूल, एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग और कंप्लीट ब्रिज कंस्ट्रक्शन प्रोसेस। इस कोर्स को एनरोल करने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक अवेलेबल है और आप हमारी काउंसलिंग टीम से भी बात करके इस कोर्स को आराम से एनरोल कर सकते हैं। नंबर है 9111001234, जल्दी कॉल करिए। बिड सबमिट होने के बाद अथॉरिटी पहले टेक्निकल बिड्स ओपन करती है और सारे कंपनीज के बिड डॉक्यूमेंट्स को जांच के बाद उन कंपनीज का नाम पब्लिश करती है जो टेक्निकली क्वालिफाइड हुए हैं। फिर सिर्फ उन्हीं टेक्निकली क्वालिफाइड कंपनीज के फाइनेंशियल बिड्स को ओपन किया जाता है, जिसमें से एक बिडर को सेलेक्ट किया जाता है, जिसे सेलेक्टेड बिडर कहा जाता है, और अथॉरिटी उसके नाम पर LOA यानी लेटर ऑफ अवार्ड इशू करती है। क्या आप BOT मोड के टेंडर्स के टेक्निकल बिड्स और फाइनेंशियल बिड्स प्रिपेयर करना सीखना चाहते हैं? कमेंट सेक्शन में BOT लिखकर कमेंट करें तो हम इस विषय पर आसान भाषा में डिटेल्ड वीडियो लेकर आएंगे। अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कि एक BOT टेंडर में टेक्निकल क्वालिफिकेशन के बाद फाइनेंशियल प्रपोजल के बेसिस पर
बिडर कैसे चुना जाता है, तो ये जानकारी बिडिंग डॉक्यूमेंट के RFP यानी रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल के अंदर मौजूद होती है, जो कहती है कि BOT मोड में दो प्रकार के फाइनेंशियल प्रपोजल हो सकते हैं, एक ग्रांट और दूसरा प्रीमियम। ग्रांट, ग्रांट एक फिक्स्ड अमाउंट होता है जो कि प्राइवेट कंपनी सरकार से डिमांड करती है प्रोजेक्ट के कंस्ट्रक्शन के बदले में। मतलब ये कि सेलेक्ट होने के बाद वो कंपनी प्रोजेक्ट का कंस्ट्रक्शन और मेंटेनेंस अपने खर्चे पर करेगी, लेकिन साथ ही साथ वो सरकार से एक फिक्स्ड अमाउंट का पेमेंट भी लेगी, जो कि उसे कंस्ट्रक्शन के दौरान ही मिलेगा, और कंस्ट्रक्शन के बाद जो टोल कलेक्शन मिलना है वो तो उसे मिलेगा ही। एक प्रोजेक्ट में कोई बिडर मैक्सिमम कितना ग्रांट मांग सकता है ये पहले से फिक्स रहता है, जो कि प्रोजेक्ट कॉस्ट का कुछ परसेंटेज ही होता है। अब बात करें प्रीमियम की, तो बिडर्स के पास ये ऑप्शन होता है कि वो प्रोजेक्ट के कंस्ट्रक्शन और मेंटेनेंस के लिए सरकार से ग्रांट की डिमांड करने के बजाय उस रोड से जो टोल कलेक्शन होगा उसमें से कुछ हिस्सा सरकार को ही वापस पे करें। इसे प्रीमियम कहा जाता है, जो कि एक साल के टोल कलेक्शन का कुछ परसेंटेज होता है जो बीडर प्रपोज करता है। मतलब इस केस में बीडर प्रपोज करता है कि रोड के कंस्ट्रक्शन के बाद मेंटेनेंस पीरियड में वो जितना टोल कलेक्ट करेगा उसका कितना परसेंट हिस्सा वो सरकार को एज प्रीमियम पे करेगा, जो कि सरकार के लिए रेवेन्यू का काम करेगा। तो इस तरह एक BOT टेंडर में एक बीडर के पास ऑप्शन होता है कि वो प्रोजेक्ट के बदले में अथॉरिटी से ग्रांट्स की डिमांड करे या उल्टा अथॉरिटी को प्रीमियम ऑफर करे। और रही बात सिलेक्शन की, तो जो कंपनी सबसे ज्यादा प्रीमियम ऑफर करती है उसे हाईएस्ट बीडर कहा जाता है और उसे ही सेलेक्ट किया जाता है। लेकिन अगर किसी भी कंपनी ने प्रीमियम ऑफर ना किया हो और सभी ने सरकार से ग्रांट की ही डिमांड की हो, तो जो कंपनी सबसे कम ग्रांट डिमांड करती है उसे सेलेक्ट किया जाता है। एक उदाहरण लेते हैं, मान लीजिए एक BOT प्रोजेक्ट का एस्टिमेटेड प्रोजेक्ट कॉस्ट 1,000 करोड़ रुपए है और उसकी बिडिंग में 10 कंपनियों ने हिस्सा लिया है, जिनमें से 5 कंपनियां ही टेक्निकली क्वालिफाइड हुई, जिनके फाइनेंशियल बिड इस प्रकार हैं। बीडर 1, जिसने 300 करोड़ रुपए ग्रांट की डिमांड की है। बीडर 2, जिसने 200 करोड़ रुपए ग्रांट की डिमांड की है। बीडर 3, जिसने 99 करोड़ रुपए ग्रांट की डिमांड की है। बीडर 4, जिसने 250 करोड़ रुपए ग्रांट की डिमांड की है। और बीडर 5, जिसने 100 करोड़ रुपए ग्रांट की डिमांड की है। तो इस केस में बीडर 3 को सेलेक्टेड बीडर डिक्लेयर किया जाएगा, जिसे प्रोजेक्ट के कंस्ट्रक्शन पीरियड में 99 करोड़ रुपए सरकार पे करेगी और कंस्ट्रक्शन के बाद वो टोल कलेक्ट कर सकेगा। अब मान लीजिए इस उदाहरण में बीडर 1 से 4 तक ने सेम ग्रांट्स ही डिमांड किए, लेकिन बीडर 5 ने 100 करोड़ रुपए ग्रांट की जगह 0.1% प्रीमियम प्रपोज कर दिया, तो ये प्रोजेक्ट बीडर 5 को अवार्ड किया जाता, जिसे कि प्रोजेक्ट कंस्ट्रक्शन के दौरान सरकार कुछ पे नहीं करती और मेंटेनेंस के बाद वो बीडर टोल कलेक्ट करता और पहले साल में टोटल टोल कलेक्शन का 0.1% अमाउंट उसे सरकार को देना होता, जो कि हर साल 1% बढ़ता जाता। तो इस तरह BOT टेंडर में ग्रांट और प्रीमियम, ये दोनों ऑप्शंस का होना बिडिंग प्रोसेस को कॉम्पिटिटिव बनाते हैं। मेरा आप सभी से ये सवाल है कि आपको क्या लगता है, ग्रांट और प्रीमियम में से कौन सा विकल्प ज्यादा बेहतर है? अपने रीजंस के साथ कमेंट करें। इसके साथ ही सिविल गुरुजी सिविल इंजीनियर्स ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट हाईवे और ब्रिज कंस्ट्रक्शन के ऐसे ट्रेनिंग कोर्सेज भी प्रोवाइड करता है, जो ऐसे टेक्निकल और प्रोफेशनल स्किल्स सिखाता है जो एक सिविल इंजीनियर को रोड कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में करियर एस्टेब्लिश करने में मदद करती है। ट्रेनिंग ज्वाइन करने या अधिक जानकारी के लिए आप 9111001234 पर कॉल कर सकते हैं। बाकी अगर आप किसी और पर्टिकुलर टॉपिक पर डिटेल वीडियो देखना चाहते हैं तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं। सिविल गुरुजी सभी सिविल इंजीनियर्स के लिए ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव कंटेंट लेकर आते रहेंगे। हमारे फ्री कंटेंट को एक्सेस करने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना और सिविल गुरुजी के ऐप को डाउनलोड करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि करना है खास, तो चलें हमारे साथ सिविल की बात गुरुजी के साथ। धन्यवाद।